Welcome to Bora Isle News. Dimasau Police announces ₹50,000 reward for information on whereabout of molester Pondy Sengyum. In the recent incident which happened off 9th of April, where the accused person Pondy Sengyum assaulted one girl and an FIR was lodged in his complaint. SP Jayant Singh called the press meet regarding the incident and assured the people of Dimasau that the police is on search operation to apprehend this accused person, and they requested the people of Dimasau to cope up with the police and inform the whereabouts of this person if he is seen anywhere in the district. SP Jayant Singh also added that any person reporting about the whereabouts of Pondy Sengyum will be rewarded a sum of ₹50,000 by the police. ये जो इंडिविजुअल हैं, इनका नाम पोंदे सेंग्यूम करके सामने आ रहा है, जिनको जो है एक्यूज्ड करार दिया जा रहा है. तो बिकॉज वी हैव ट्राइड टू अप्रीहेंड हिम एंड ही इज़ एस्केपिंग, ही इज़ नॉट गिविंग इन, तो जो है कानून के पास अपने आप को सबमिट नहीं कर रहे हैं. तो इनको ढूंढने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन, जब से इनका नाम सामने आया है पोंदे सेंग्यूम का, तो एक ऑल आउट ऑपरेशन स्टार्टिंग से चल रहा है. तो ये बताना चाहूँगा कि जो सोनटेली टिला एरिया है, उसमें उस एरिया में इनका कार भी जो है बरामद हुआ है, अबैंडेंड कार. तो वी आर कॉन्स्टेंटली बिहाइंड हिम एंड वी आर कॉन्फिडेंट कि उसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा. मीनवाइल जितने हमारे सिटीजन्स हैं दिमासाओ के, जितने भी वासी हैं, उनसे भी अनुरोध है कि अगर कहीं से मिलता है इनके बारे में तो उसको तुरंत ही पुलिस के साथ शेयर किया जाए. मैं एक सॉफ्ट कॉपी शेयर करूंगा जिसमें कि एक फ़ोन नंबर भी होगा और हमारा पीसीआर का फ़ोन नंबर होगा. लोकल पुलिस स्टेशन या पीसीआर को आप बता सकते हैं. और इसके साथ साथ जो है पुलिस की तरफ से फॉर एनी इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हिज अरेस्ट रिवॉर्ड ऑफ 50,000 जो है हमारी तरफ से दिया जाएगा. तो यही अनुरोध है कि हमको जो है पूरा कोऑपरेशन इसमें मिले. And from our side also, we are already doing an all-out operation to catch hold of him. जो crime against women जो है, तो it is not noticed much in Dimasau. और उसके बावजूद भी कोई ना कोई element होता है जो कि इस प्रकार के जो incidents हैं उनको जन्म देता है. तो हमारी तरफ से जो है पेट्रोलिंग जो है पूरी चलती है. डिफरेंट डिफरेंट एरिया में पुलिस के लोग भी जो है तैनात होते हैं. उससे पहले हमको पब्लिक से इंफॉर्मेशन आई थी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये टाइप की इंसिडेंट्स ज़्यादा होती हैं. उसके बाद उस एरिया में पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई है. तो आई थिंक दे हैड ऑल्सो requested for the street lights etc. to be put up in that area. So the thing has been conveyed. So जो crime against women जो है पहले भी हाफलोंग में इतना ज़्यादा नहीं था, दिमासाओ में भी ज़्यादा नहीं था. तो जो ये खबर आई है उसके हिसाब से जो crime register हुआ है, तो we are taking action against to catch the culprit and in time we will be able to catch him. हाँ, जो अगर किसी भी प्रकार का जो क्राइम है अगेंस्ट वीमेन, तो इसकी जो रिपोर्टिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है. जितना जल्दी रिपोर्टिंग हो सके उतना ही अच्छा है. तो वेदर द क्रिमिनल, वेदर द पर्सन इज नोन और अननोन, जो भी मैटर है इट शुड ऑलवेज बी रिपोर्टेड. द वीमेन फोक शुड नॉट वरी अबाउट के क्या होगा अगर मैं रिपोर्ट करूँगी, क्या होगा मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी. Because it is a crime against women, it's a crime against society. If it goes unreported, in long run, it harms the society. तो इसीलिए जो है इसका कहीं भी अगर कहीं कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, तो जो है हमारी तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमेशा ही दिया जाता है. ऑल ओसीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इफ़ देर इज़ अ क्राइम अगेंस्ट वीमेन दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल. तो जब भी कहीं भी होता है, अगर कहीं ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा आता है सुनने में कि महिलाएं जो है या कोई जो लड़का है कोई किसी को बहला फुसला के इधर उधर भगा के ले गया, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑल्सो वेन दे कम, हमारा पुलिस प्रशासन जो है दिमासाओ में ऐसा नहीं है कि वी पुट इट ऑन बैक बर्नर, तुरंत हम लोग करते हैं. और कोई भी क्राइम अगर होता है, जितना जल्दी वो हुआ उसकी जितनी जल्दी रिपोर्टिंग हुई
उसके हिसाब से ही जो कल्प्रिट है उसको उतना ही जल्दी पकड़ा जाता है। डिले इन लॉजिंग ऑफ FIR इंक्रीजेज द चांस ऑफ क्रिमिनल नॉट बीइंग कॉट। तो इसीलिए यही अनुरोध है कि जो हमारे विमेन फोक हैं वो इस चीज़ में ना घबराएं रिपोर्टिंग करने में, एंड द पुलिस इज सेंसिटाइज्ड इनफ कि दे विल लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और इस चीज़ को कभी भी जो है पुलिस जो है नकारा या अनदेखा नहीं करेगी। विद कैमरा पर्सन विक्रम चक्रवर्ती रिपोर्टिंग बाय अलीशा नुनिसा, बोराइल न्यूज़।